उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, आश्वस्त नजर आए हैं, खुश नजर आए हैं और कांग्रेस 101 सीट पर आगे चल रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा बीजेपी है, एक सीट पर जीत हासिल कर ली है, बाकी चार पर आगे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। 2 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है और वक्त हो गया है तमाम गेस्ट का परिचय कराने का, क्योंकि सौरभ दुबे हमारे साथ था, स्टूडियो में ही मौजूद है। लेकिन अब स्वागत करते हैं लोधी राकेश राजपूत है, नेशनल सेक्रेटरी है, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए लोधी जी, इस ढोल धमाके के साथ आप काफी बूस्ट अप तो हो ही गए होंगे, लेकिन जो अभी नतीजे नजर आ रहे हैं, रुझान नजर आ रहे हैं कि एनडीए 36 पर, इंडिया 43 पर, उससे भी आप बूस्ट अप हुए होंगे, आपके पास लौटेंगे, लेकिन वक्त हो गया है। बिजनौर के आंकड़े पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं, एक एक तस्वीर आपको हम बताएंगे, मिर्जापुर का आंकड़ा बताएंगे, लेकिन फिलहाल बिजनौर की तस्वीर और मेरठ की तस्वीर भी आपके सामने है। ग्राफिक्स दिखाइए और अपने दर्शकों को बता दें कि मेरठ से फिलहाल अरुण गोविल 18,000 वोट से पीछे चल रहे हैं, मेरठ से अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। अनुपम, बिल्कुल, मेरठ से इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, 18,000 वोट से पीछे चल रहे हैं अरुण गोविल। अरुण गोविल को मेरठ के सियासी दंगल में उतारा गया था राजेंद्र अग्रवाल, वहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, टिकट बदला गया और बिजनौर में पलटा पासा, आरएलडी के चंदन चौहान पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। बिजनौर से एसपी के दीपक सैनी वहां पर 730 वोट से आगे हो गए हैं, यानी कि लगातार उलटफेर का सिलसिला यहां पर जारी है। ये देखिए आरएलडी के चंदन चौहान भी पीछे चल रहे हैं, एसपी के दीपक सैनी 730 वोटों से आगे चल रहा है, बिजनौर में भी पासा पलटता नजर आ रहा है। तमाम गेस्ट का रुख करेंगे, लोधी जी सबसे पहले इसी पर रिएक्शन दे दीजिए, कैसा लग रहा है आपको? इसमें तो कोई दो मत नहीं है, ये जनता की जीत है। आप सब देख रहे हैं कि बहुत काफी वक्त से किसान परेशान था, महिलाएं परेशान थी, बेरोजगार नौजवान परेशान था, और ये जीत, एक दो लाइन में कहूँ कि वक्त गूंगा नहीं बस मौन था, और वक्त आने पर बता देगा किसका कौन था। ये वक्त जनता ने बता दिया है कि ये आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय अभी आगे चल रहे हैं लोधी जी, ये अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी रुझानों में आगे हैं। हाँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब स्टार्टिंग ये आने वाले टाइम में बदलेगा नहीं पासा, नहीं बदलेगा, और आगे जाके हमारी और जीत बहुमत से होगी, इसमें देखते जाइए, शाम को आपको रिजल्ट और अच्छे दिखेंगे। राकेश जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में दो लड़कों की जोड़ी जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, वो उस जोड़ी ने अपने आप को ग्राउंड पर प्रूफ तो कर दिया है, अगर इतने नंबर्स आ रहे हैं तो। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है, आप देख ही रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इनके खिलाफ एक जन आक्रोश था, जो आज जमीन पे दिख रहा है, रुझानों में दिख रहा है, और दो दिन पहले जो दिख रहा था वो सब भ्रमित करने का तरीका था। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को भी कहा कि आप इन पे चमत पड़िए, आप अपनी मेहनत जो की है उस पर विश्वास करिए, और आप जब पोलिंग बूथ पे जाएंगे, काउंटिंग होगी, तब वो रिजल्ट अलग ही हैं जो आपके सामने हैं, और शाम तक और तस्वीर साफ हो जाएगी, थोड़ा सा और वेट करने की जरूरत है। तो क्या लग रहा है आपको, जो स्कोर अभी चल रहा है, एनडीए 35 पे है, इंडिया अलायंस 44 पे है, इससे भी फिगर कुछ और बदल सकती है? इसमें कोई दो मत नहीं है, और आगे बढ़ेगा इंडिया। आप काफी कॉन्फिडेंट है, सौरभ जी भी कुछ कहना चाहेंगे, उनको भी डिबेट में लाना चाहेंगे, सौरभ जी क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की कुछ बातें हैं, अंदरूनी बातें हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो शीर्ष नेतृत्व तो पूरा चुनाव में लगा था, राज्य का नेतृत्व भी लगा था, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें समाजवादी पार्टी का कोई बहुत ज्यादा श्रेय नहीं है उनके कार्यकर्ताओं का। हाँ। जो ये सीटें आकलन दिखा रहा है यहाँ पर कुल मिलाकर के जनता के बीच में जनता ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के और बड़ी खबर रोकेंगे आपको, अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे, मोहनलालगंज से कौशल किशोर पीछे, ये बड़ा अपडेट आया, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान पीछे, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आगे चल रही हैं, लगातार ये बड़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं अमेठी से, अमेठी के सियासी दंगल में, मोहनलालगंज से कौशल किशोर पीछे चल रहे हैं, ये बड़ा अपडेट हम बता रहे हैं। सौरभ जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। मैं ये कह रहा था कि देखिए, निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी जो टिकट वितरण किया उन्होंने, जिस प्रकार से जिसकी पहले आलोचना की जा रही थी, अगर ये सही निकलती है चीजें, हालांकि मेरा मानना है कि अंतिम समय तक पता चलेगा, क्योंकि मार्जिन सिर्फ 1,000 से 2,000 तक जाने वाला है, पिछले बार भी 5,000 के आसपास तक मार्जिन पे। लेकिन स्मृति ईरानी तो 50,758 वोट से पीछे चल रही है। मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बाकी सीटों की बात कर रहा हूँ, स्मृति ईरानी जी की तो मैं बात नहीं कर रहा। देखिए, कुछ चीजें तो दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, वो नहीं पलट सकती जो दिख रही है, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी की जिन्हें जो रणनीति बदली थी, जिसके चुनाव में जो है काफी आलोचना की जा रही थी कि लगातार कैंडिडेट बदल रहे हैं,
अब उसका श्रेय भी उनको मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं आपसे, आपको लगता है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन से लेकर के कास्ट फैक्टर से लेकर के मोदी योगी की ग्राउंड वेव को लेकर के इन सारी चीजों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल फाइट थी, क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनी है? देखिए इंटरनल फाइट तो है ही समस्या एक, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ सांसद हैं जो रिपीट हुए, उनका अपना व्यक्तिगत व्यवहार जनता के बीच में क्या रहा, कैसे रहा, क्योंकि देखिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कुछ ऐसे सांसद जरूर रहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिनका अपना व्यक्तिगत व्यवहार जो है वो जनता के साथ जो है वो ठीक नहीं रहा, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन इसका इंतजार करना पड़ेगा सौरभ जी, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं आपकी एक बात से थोड़ा सा सहमत हूँ कि इंडिया अलायंस की अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि पूरा श्रेय अखिलेश यादव को नहीं मिलना चाहिए और अखिलेश यादव का इसमें खास क्या रोल है? लोधी जी आप भी ये मानते हैं कि क्योंकि इंडिया अलायंस के लीडर के तौर पर अगर देखा जाए राहुल गांधी सामने आते हैं, क्यों इसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी क्यों नहीं आते? नहीं हम देख रहे हैं तस्वीरें, कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूती के साथ, आप अमेठी का हाल देख लीजिए, आप सौरभ जी भी कह रहे हैं कि आपने ऐसा क्या कमाल कर दिया उत्तर प्रदेश में, ये कमाल तो दिख रहा है ना, जो कमाल किया है वो आपके सामने है, तो अखिलेश यादव प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? ये भी अभी सीटें में तब्दील नहीं हुआ, बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ, बड़ी खबर लल्लू सिंह 11,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं, अयोध्या में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, अयोध्या में जी अपनी बात पूरी करिए लोधी जी। जी इसमें कोई दो मत नहीं है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ये रुझान जो आ रहे हैं ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, चलिए मेहनत का नतीजा तो है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी ने स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी तैयार की, आप बीएसपी को अपने पाले में नहीं ला पाए, उसके बाद भी आपने भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड पर कड़ी टक्कर दी, जिसका रिजल्ट्स में रिफ्लेक्शन अभी तक जो रुझानों में आया है वो सामने आ चुका है, आपको क्या लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फायदा आपको मिला बनस्पत आपकी अपनी मेहनत के? इसमें कोई दो मत नहीं है, आप ये जो देख रहे हैं रुझान जो आ रहे हैं इस पर जमीन पर हम लोगों ने मेहनत की है और जन आक्रोश था, इसमें कहने में कोई दो हर्ज नहीं है, और इन्हें भी मानना चाहिए कि जब जनता आक्रोश दिखा रही थी और ये लोग अपने एरोगेंसी दिखा रहे थे, इतने हिटलर शाही थे, और जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया पीडीए का, पीडीए के नारे से जन जन जब जागरूक हुआ और उन्होंने ये देखा कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, किसान के साथ क्या हुआ इलेक्शन में इन 10 सालों में आपने देखा, महिलाओं के साथ क्या हुआ, ये सब जब इकट्ठे हो गए मुद्दे, तब ये इकट्ठे होके आपके सामने ये जो रुझान है ये सब उनकी वेदना है, और इससे भी अच्छे रुझान आने वाले हैं, आप देखते जाइए जो बढ़ते जा रहा है। कौन-कौन सी सीटें आपको लगता है स्पेशली अगर एसपी की बात करें, कौन-कौन सी सीटें आप देखते हैं, कितनी सीटें देखते हैं आप अपने पाले में? नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारी 80 की 80 सीटें आप देखेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी शुरू से कहते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रुझान है। और बड़ी खबर इस वक्त राहुल गांधी रायबरेली से 255,698 वोटों से आगे, ये बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी यहाँ पर देखिए रायबरेली के दंगल में, यानी कि कांग्रेस ने जो प्रयोग किया इमरान मसूद सहारनपुर से 95,285 वोटों से आगे, इमरान मसूद भी यहां पर बढ़त बनाते हुए, राघव रकनपाल को बीजेपी ने वहां से एक बार फिर चुनावी दंगल में उतारा था, अवधेश प्रसाद फैजाबाद से 11,203 वोट से बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे चल रहे हैं। बिल्कुल काफी इंटरेस्टिंग ये फैक्टर्स नजर आ रहे हैं लोधी साहब, आपके पास हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे बीजेपी के कई और बड़े लीडर्स की तरफ से बार बार बोला गया, दो लड़कों की जोड़ी फ्लॉप इस बार भी साबित होगी, इन तस्वीरों को देखकर अब आप क्या कहेंगे? देखिए इन तस्वीरों से क्या आपको प्रमाण होता है सीधा, आप देखते हैं कि मैं खुद चंदौली में रहा, बनारस में रहा, बदायूं में रहा, मैं मैनपुरी गया, मैं साझापुर गया, मैं फिरोजाबाद गया, तमाम ऐसी लोकसभा सीटों पे गया जहां पे जन आक्रोश था, और जहां पीडीए की बातें करके लोग जन, जो मैं गांव-गांव घूमा तो उन सब का एक ही बात कहना था कि जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार अपनी स्पीच में कहते थे कि ये देखिए आप। और बड़ी खबर कांग्रेस के इमरान मसूद पे, रोक रहा हूँ राकेश जी आपको, लेकिन इमरान मसूद 95,285 वोट से यहाँ पर, बाराबंकी से कांग्रेस के तनुज पुनिया आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर तनुज पुनिया 1,43,175 वोट से, और गोंडा से बड़ी खबर करण भूषण सिंह आगे चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं थी अनुपम, जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे गोंडा की तस्वीरें हो गई, उसके आसपास की तस्वीरें हो गई, उसमें काफी अच्छी बढ़त बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। सौरभ जी इस पर अभी आप फिलहाल क्या कहेंगे, क्या फैक्टर्स सभी? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए अगर इनके मुद्दे काम करते तो ये वहाँ की सीट पे क्यों, गोंडा की सीट पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, गोंडा की सीट पर तो प्रभाव नहीं दिखाना इनके मुद्दों का, जिस पीडीए की आप बात, राहुल गांधी की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जी,
राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस ऑफिस पहुंचे हैं। राहुल गांधी ये देखिए वो तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे थे। राहुल गांधी की आपसे मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है। हाँ। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने दमदार तरीके से चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही और शाम तक जैसे ही चुनाव के परिणाम आपके सामने होंगे कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। बातचीत क्या हुई आपसे? कुछ बोला उन्होंने, कुछ कहा आपसे? राहुल जी हमेशा कार्यकर्ताओं को प्यार देते हैं और मैं भी एक राहुल जी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, हमें भी प्यार देते हैं। चुनाव का परिणाम आ रहा है तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश है। हम राहुल जी से प्रेम करते हैं। राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनवाने के लिए हमने 12 साल से राहुल जी के साथ ऐसे चल रही चोलों को पहन के, और मुझे लगता है कि जो मैंने सपना लिया था राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनवा। तो यहाँ पर तनुज पुनिया 143,175, गोंडा में करण भूषण सिंह आगे चल रहे हैं जिसका जिक्र अभी नलिनी भी कर रही थी, और करण भूषण 81,827 वोट से आगे चल रहे हैं, एक बड़ा मार्जिन यहाँ पर। तो लगातार जिन भी सीट्स पर जो भी अपडेट आ रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम सीटों पर जो अपडेट्स आ रहे हैं, और 2024 का जो महाभारत है 543 सीटों का जो पूरा गणित है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए ये ब्लू कलर और किस तरीके से जो भगवा कलर है उसमें यहाँ पर पूरी तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन देखिए बहुत ज्यादा आपको अंतर नजर नहीं आएगा, काफी ज्यादा मिक्स्ड ये पूरा रिएक्शन है। यहाँ की अगर तस्वीरें दिखाएं, हम पूरे देश की ये पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए हैदराबाद, अमरोहा, नरसापुरम, ये तस्वीरें बताती हैं कि फिलहाल के जो रुझान है, नतीजे हैं, वो इस कलर्स में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। अनुपम, बिल्कुल कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जैसे कहा जाता है नल्ली, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में चाहे आप सलेम ले लिए, ओंगोल ले लिए, पंचमहल ले लिए, मंडिया ले लिए, डायमंड आवर ले लिए, या फिर आप उत्तर प्रदेश की यहाँ पर देखिए घोसी का जिक्र भी हम कर रहे थे। घोसी की तस्वीर भी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। बलिया, बिल्कुल बिल्कुल, जौनपुर, बलिया, घोसी की सीट देखिए, गाजीपुर में इमोशन का फैक्टर काफी ज्यादा अनुपम देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है ये वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आसपास की सीटें भी देखिए, आसपास की सीटों पर भी इसका खास असर, लेकिन चंदौली के बारे में बीजेपी को अगेन सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर आप देखें गुजरात में भी अमित शाह ने भी वहां से जीत हासिल कर ली है गुजरात से, और आप देखिए कि महाराष्ट्र अगर देखें आप, छत्तीसगढ़ देखें, मध्य प्रदेश देखें, और मुरादाबाद में रुचि वीरा देखिए आप, क्योंकि रुचि वीरा वहां पर, और ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहनलालगंज से कौशल किशोर पीछे चल रहे हैं, यानी कि कई मंत्री पीछे चल रहे हैं, संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी पीछे चल रहे हैं, यूपी में चार केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ सकते हैं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद दुबे जी कुछ चिंता की लकीरें दिख रही है, क्या हो गया एकाएक? उत्तर प्रदेश में तो आप कह रहे थे 80 में से 80, और यहाँ पर तो सेंधमारी कुछ ज्यादा हो गई है, और आप जरा मुस्कुरा भी दीजिए। नहीं, देखिए हम तो मुस्कुराते ही रहेंगे। हाँ। निश्चित रूप से जो नतीजे हैं वो हमारे आकलन के, हमारे अनुमान के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। और ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस पर निश्चित रूप से पार्टी गंभीर जो है विश्लेषण करेगी, एक एक चीज की समीक्षा करेगी, और ऐसा हुआ है तो निश्चित कई कारण होंगे, उन कारणों की भी समीक्षा की जाएगी। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि इस पूरे रुझान को अगर समग्रता के साथ आप देखिए तो देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना विश्वास जताया है, और उनके नेतृत्व में एनडीए को जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें बहुमत से ज्यादा सीटें देने का काम सर किया। सवाल से एनडीए का नहीं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आऊंगा आनंद जी आपके पास। ये जो फिगर से देखिए, ये यहां पर एनडीए का 292 आप देखिए, ये यहां पर यानी कि अगर देखें आप तो 272 का जो जादुई आंकड़ा होता है सरकार बनाने के लिए, एनडीए उसको पाता हुआ यहां पर जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 543 में से जो जादुई आंकड़ा है 272 का,
मैजिक फिगर जो है, मैजिक फिगर तो है, लेकिन आप ये देखिए मजबूती के साथ इस बार विपक्ष आगे बढ़ता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही है, जाहिर तौर पर अगर विपक्ष मजबूत है तो यानी कि संसद के अंदर, सदन के अंदर यहाँ पर काफी गहमा गहमी देखने को मिलेगी। फाइट दिया इस बार। और देखिए आप ये स्कोर देखिए इंडिया अलायंस का, क्योंकि हम और अगर अनुपम आदर्श भी इनके खाते में जाता है तो फिर और ज्यादा मजबूत स्थिति हो जाएगी। अभी आपको बताएं सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जिस एनडीए की हम बात कर रहे हैं और जिस 543 सीटों में से 291 का स्कोर एनडीए का है, आप ये मानिए इस एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दल है उनको अपने पाले में लेने के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर गेम प्लान शुरू कर दिया। और रिजल्ट से पहले ही हम देख रहे हैं कि संपर्क साधा जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर भी मिल रही थी कि एनडीए के जो नेता है, इंडिया के जो नेता है, एनडीए के संपर्क में है एक बड़े नेता। और आप समझिए 18 जो अदर्श की सीट थी इनको लेकर के भी वापो रहेगी। आनंद दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और राकेश राजपूत जी भी है और साथ सौरभ दुबे जी भी है। आनंद जी मैं एक सवाल सीधा पूछ रहा हूँ, आखिर ये परिस्थितियां क्यों खड़ी हुई? क्या आप स्थितियों को नहीं भाप पाए? क्या कैंडिडेट्स का जो व्यक्तिगत विरोध था या जनता की जो नाराजगी थी उन सारी चीजों को भापने के बाद भी आपने एक बार कैंडिडेट रिपीट किए जिसके चलते जनता ने उनको नकार दिया, क्या कारण आपको लग रहा है? कुल मिला के ये कि क्या ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा भुगतना पड़ा है? सीधा सा सवाल। नहीं देखिए कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था और ना ही किसी तरह की कोई दिक्कत है। हाँ निश्चित रूप से अगर परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है, लेकिन वो कमी कौन सी है वो लोधी साहब गिनवा देंगे। लोधी साहब आपको भी ले आते हैं डिबेट में। जी जी इसमें कोई दो मत नहीं, इनका बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है, डिंपल यादव आगे चल रही है और अच्छा मार्जिन है अनुपम। बिल्कुल 1,65,000 वोट से आगे चल रही है मैनपुरी में डिंपल यादव, जो सबसे बड़ी बात है 1,65,891 वोट से डिंपल यादव। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो गढ़ वाली बेल्ट हैं उन पे अगर बात करें, चाहे आजमगढ़ की बात करें चाहे मैनपुरी की बात करें, यहां पर आप देखिए जो और साथ ही साथ डिंपल यादव 1,65,891 एक बड़ा मार्जिन कहा जा सकता है। जयवीर सिंह पीछे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में जयवीर सिंह को उतारा था, एक स्ट्रेटेजी के तहत उतारा था, लेकिन अननली वो स्ट्रेटेजी यहाँ पर अभी फिलहाल इसमें कामयाब होती दिखी। और हमने प्रचार प्रसार के दौरान भी देखा अखिलेश यादव और डिंपल यादव, वो कहते हैं गढ़ नहीं है मैनपुरी, हमारा घर है, और वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। 1,65,891 डिंपल यादव की जो जीत है, जयवीर सिंह यहाँ पर पीछे चल रहे हैं और मैं उस बात को लगातार बता रहा हूँ। ट्वीट है अमेठी सीट को लेकर, प्रियंका गांधी का ट्वीट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेठी की जनता को बधाई प्रियंका गांधी की तरफ से। देखिए अभी चुटकियां लेने का दौर भी शुरू हो गया है, अभी नतीजे नहीं आए हैं लेकिन जो मार्जिन नजर आ रहा है, शर्मा जीतेंगे ये बहुत बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी की बड़ी खबर यहाँ पर इस वक्त की सबसे बड़ी। प्रियंका गांधी ने इस बात को कह दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों को एक टास्क के तौर पर लिया था। जैसे आप समझिए आपके दो हाथ हैं अमेठी में और रायबरेली में, रात रात तक प्रचार करना, पूरी ताकत झोंकना, और ये सोच करके ही वो वहां पर आई थी कि रायबरेली और अमेठी इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को एक तरफ अपने भाई को और दूसरी तरफ केएल शर्मा को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता खुद गृहमंत्री अमित शाह ने यहां से प्रचार प्रसार किया। प्रियंका गांधी ने अब ये ट्वीट कर दिया है क्योंकि उन्होंने स्थिति को भाप लिया है। अब रिएक्शन तो यहां पर स्मृति ईरानी का भी बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन इन सबके बीच डिबेट पर वापस चलेंगे। लोधी साहब कुछ कह रहे थे। जी बोले। जो बीजेपी की हार का जो नतीजा दिख रहा है इस समय, जो वो ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहे थे 400 पार, आप देखिए 400 पार उन्होंने क्या क्या वादे कर दिए। उन्होंने किसानों, जो किसान धरना दे रहे थे 1,000 लगभग किसान, तो फिर से रोक रही हूँ। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, मैनपुरी सीट से डिंपल यादव, दोनों पति पत्नी आगे चल रहे हैं अनुपम। लेकिन बदायूं से आदित्य यादव पीछे हैं, ये बड़ी खबर है। बदायूं से आदित्य यादव पीछे और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, यानी कि सिर्फ बदायूं के अगर देखा जाए, क्योंकि बदायूं में दुर्विजय सिंह शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था और वहां पर कड़ा मुकाबला है। लेकिन कन्नौज से अखिलेश यादव यहाँ पर आगे चल रहे हैं, मैनपुरी में डिंपल यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, ये आदित्य यादव वाली सीट को लेकर भी पीछे चल रहे हैं। आदित्य यादव वाली सीट, बदायूं सीट को लेकर जरा लोधी साहब बताएं, क्योंकि जो यादव फैमिली है वो भी काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही है लोधी साहब। नहीं इसमें कोई दो मत नहीं, हम लोग जीतेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। या जो बदायूं सीट है उसमें जो समीकरण है वो हमारे फेवर में, वो भी हमारी समाजवादी पार्टी के परिवार का घर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, नरेंद्र मोदी 1,00,000 वोटों से
ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, लगातार आगे ही चलते चले जा रहे हैं। स्टार्टिंग से ही अनुपम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तो फिलहाल 1 लाख से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं, लेकिन और यकीनन आने वाले वक्त में मार्जिन बढ़ेगा। वाराणसी सीट हो गई, अमेठी की सीट हो गई, बदायूं की सीट हो गई, हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ फैजाबाद को लेकर भी जानकारी मिल रही, बीजेपी गोंडा से भी आगे चल रही है। और योगेश कुमार साहब इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को आप समझते हैं, आपने 2012 का भी चुनाव देखा, विधानसभा का 2014 का भी देखा, 2017 का विधानसभा चुनाव भी देखा, 2019 का लोकसभा चुनाव देखा और 22 का भी चुनाव विधानसभा का यूपी का देखा। ये दो लड़कों की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में कैसे अंडर करंट को भापा, कैसे विरोध को भापा, कैसे जनता के मन को भापा, और उसके बाद जो अब स्कोर आ रहा है वो स्कोर अपने पक्ष में लेकर के आ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है और ये आकलन जो बाकी सारी लोगों ने भी करा था, एजेंसीज ने भी करा था, उससे बिल्कुल उल्टा और अंडर करंट की बात थी जो अभी तक किसी ने भांपी नहीं थी जी। वो आज दिखाई दे रही है रिजल्ट्स में। जो बात हुई थी दो लड़कों की जोड़ी जो पूरे यूपी में घूम रही थी और जो एक नैरेटिव बनाया था कि ये संविधान खतरे में है, रोजगार हम देंगे, हम राशन देंगे, मुझे लगता है यूपी में ये जो नैरेटिव था ये बड़ा तेज़ी से वर्क करा और यही रीज़न है कि बीजेपी को इतना झटका या इतने लॉस यूपी में ही हो रहा है जिसकी उनको कभी उम्मीद नहीं। सबसे बड़ी बात ये, इन सब चीज़ों का ज़्यादा असर नहीं हो पाया, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं आपको नहीं लगता कि ऐसा असर बेरोजगारी का जो मसला था, जो रोजगार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, जो युवा कहीं ना कहीं लगातार अपने बातों को उठाता रहा है। डेफिनेटली ये समझा जाए कि जो समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस की तरफ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की वो लोगों के दिलों में घर कर गई। ये बिल्कुल वही बात है, जो पेपर लीक मामला था, जो बेरोजगारी का मामला था, ये ऐसी चीज थी जिससे जितना भी युवा है, ना सिर्फ यूपी का, बाकी प्रदेश के, बाकी राज्यों का भी, सभी युवाओं को कनेक्ट करा और यही रीज़न है जो यूपी में परिणाम जितने पल उल्टे आए हैं। और एक बात और जो मैं ऐड करना चाहता हूं, जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो दलित, बड़ी खबर से रोक रहे हैं आपको सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर इस वक्त की, शरद पवार ने नीतीश से बातचीत की है, बड़ी खबर यहां पर, नीतीश को इंडिया में आने का न्योता दिया है सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर। और ये बहुत बड़ी खबर है जिस बात का अंदेशा लगातार न्यूज 18 जता रहा था, शरद पवार ने यहां पर नीतीश कुमार से बातचीत की है, इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जोड़ तोड़, आप यहां पर नंबर गेम की बात थी, वो नंबर गेम बनाने की यहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो रही हैं, इसलिए बातचीत का दौर भी स्टार्ट हो गया। एनडीए में फूट डालो, एनडीए में फूट, क्योंकि एनडीए में जिस तरीके से नीतीश को अगर अपने पाले में लाया जाता है तो उसका असर यहां पर होगा। तो ऐसे में क्योंकि 272 का जो मैजिक फिगर है, जो सत्ता की चाबी के लिए जो फिगर है, उसके लिए अब देखिए शरद पवार ने यहां पर बात की है नीतीश से। बड़े बड़े नेता यहाँ पर संपर्क साधते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से गैस का रुख करेंगे जी। आप अपनी बात पूरी कीजिए, और आप कुछ कह रहे थे सूत्रों के हवाले से, कुछ जानकारी आपको भी मिली है? सूत्रों के हवाले से नहीं, मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, यूपी में जो दलित वोट था